हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम मैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाओ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चा, आज का टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता। एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले दोनों लोग पढ़ लेना इसको। यहाँ पे कंटेंट देने जा रहा हूँ आपको इनइक्वलिटी का, और आराम से सुनोगे, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से उठाऊंगा और आखिरी में हीरो बना दूंगा इनइक्वलिटी में। एक भी गलती कभी नहीं होगी जिंदगी में, बस आराम से सुनते रहो। अब इनइक्वलिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि बच्चा, आप जब कैलकुलस स्टार्ट करोगे या कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो जैसे कि लॉगरिथम यानी लघुगणक पढ़ोगे, तो उसमें लॉग में कुछ वैल्यू होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आता है। तो एक इंटरवल होता है जिसको सीमाएं बोलते हैं ना, अंतराल बोलते हैं जिसको। तो वो सब क्या करते हैं, इनइक्वलिटी से डील करते हैं, यानी कि असमानता से ही डील करते हैं। हमेशा बराबर नहीं होता। अगर कोई चीज में बोल दिया, मान लो कि x है, x क्या है, माइनस दो से दो तक है। सुनना बात को, माइनस दो से दो तक है x का मान। तो ये माइनस दो से दो जाना क्या इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू रहता तो क्यों लिखते? नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता ना करो। तो चलिए, टॉपिक का नाम इक्वलिटी रहेगा, ये तो बात हो गया। जीत लो, जो नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी। आपकी क्लास रेगुलर होती है, कल भी हुई थी, हालांकि कल मिसिंग हो गई थी क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, बट एनडीए वाला क्लास इसके पहले अपलोड हो गया। और रही बात मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान हंसमान अवकलजों के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर क्या करेंगे सर, बिल्कुल इनइक्वलिटी के बाद उसको करेंगे। अगर इनइक्वलिटी नहीं सही से पकड़े रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा चैप्टर। मैं बार बार बोलूंगा ये याद कर लो, इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ये याद कर लो, इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, फिर वो मजा नहीं रह जाएगा। फिर आप भी कहोगे हाँ सर पूरा कर लिए, आंसर याद कर लेते, ये तो सर बता ही देंगे बाद में। तो आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम देते तब तो सही है, कुछ नंबर पा गए आप स्टेप मार्किंग से, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको फाइनल आंसर आना चाहिए। और मेरे भरोसे आप आंसर मार के आगे बढ़ जाओ, ये तो गलत बात है ना। मैं खुद कहता हूँ कि मेरे आंसर पे भरोसा मत करना, खुद पे करना आप जो करोगे उस पर। ओके, तो आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें, जितने लोग नहीं किए शेयर कर देना वीडियो को, अगर करना चाहते हो आपको अच्छा लगता हो क्लास लाइक कर देना वीडियो, अगर क्लासेस अच्छी लगती हो। और कमेंट जितने लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा, कल सबका कमेंट वापस से पढ़ा था, आप लोगों का कमेंट मैं शेयर भी करता रहता हूँ, तो आप लोग करते रहकर आप लोगों का नाम हर जगह मैं खुद ही शेयर करता रहता हूँ ना, यहाँ नहीं बोलता हूँ क्लास में क्योंकि यहाँ टाइम कम मिलता है मुझे। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी में, और बाकी जो भी क्लास आपकी रुकी ना वो चलेगी, कोई चिंता ना करो, लेकिन ये ज्यादा जरूरी फिलहाल के लिए। चलो तो इनइक्वलिटी स्टार्ट करते, बिल्कुल बेसिक से बोला, बिल्कुल बेसिक एक्स से एक्स लेके चलते ना। और हमेशा कुछ भी सीखना हो तो बेसिक से सीखने की कोशिश करो, ज्यादा काबिल नहीं बनाना। देखना बच्चा, मान लो मैं आपको दे दिया ना, देखना तो एकदम स्टार्टिंग से होते ना, जो ब्रैकेट वगैरह बनता है इंटरवल, याद है इंटरवल? इंटरवल पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, इंटरवल, हालांकि ये इस टॉपिक से नहीं लेकिन आता है यूज में, तो देखना बच्चा। अगर बोला x इज ग्रेटर देन वन, एक बार बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ओके, तो इसका क्या मतलब है, ये इक्वल टू, x इज इक्वल टू वन ले, इसका मतलब है x का मान एक होगा, और इसका क्या मतलब, x का मान बहुत सारे होंगे, यहां पे फिक्स हो जाता सिर्फ एक ही होगा, लेकिन यहां पे फिक्स नहीं एक ही होगा, यहां पे बहुत सारे है। वो क्या, एक से ज्यादा कुछ भी ले लो आपके आंसर जाएंगे, एक लेना नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू रहेगा तब मतलब लेना है, और अगर ये ब्रैकेट रहेगा तो नहीं लेना है। तो इन दोनों को मिला के एक नया ब्रैकेट बना, ये वाला देखो, इन दोनों को मिला के इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लेना है और ज्यादा भी होगा। समझना बात को, यहां पे क्या होगा, फिक्स हो गया आपका, फिक्स्ड हो गया, ये अपने तरीके से बता रहा हूं, ये बुक में ऐसा कोई थ्योरम नहीं फिक्स होता है। इसका क्या, वेरिएबल, यानी कि फिक्स नहीं है, ये एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ओके, ये क्या होगा, ये वेरिएबल ही होगा, लेकिन यही क्या बोलोगे, ये बोलोगे x इज नॉट इक्वल टू वन, यहां बोलोगे x इज इक्वल टू वन। समझ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दो मिनट रुकोगे भी आ जाएगा, दो मिनट की बात है बस, दो मिनट, ये मुझे कहानी खत्म कर ले दो, ये बस इंटरवल में ब्रैकेट के लिए बता रहा हूं। अगर कोई भी संख्या x से बड़ी है, मैं इधर कुछ नहीं लिखा हूं, तो इसका मतलब है कि x से ज्यादा कहां तक हो सकती, अनंत तक हो सकती है,
तो इसका आंसर हमेशा दिया जाता है बच्चा x इज बिलोंग टू 1 टू इनफाइनाइट और ब्रैकेट ये वाला इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये x इज बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है इक्वल टू और ये दोनों लगना चाहिए, दोनों लगना चाहिए x इज बिलोंग्स टू 1, ये इसका मतलब इक्वल टू का मतलब बिलोंग्स टू ये ब्रैकेट। कहने का ये मतलब कभी भी इक्वल टू आता है आपको तो हमेशा सेट के फॉर्म में देते हो आंसर, यानी कि ये देते हो x बिलोंग्स टू अगर लगाओगे, या फिर आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो क्या चीज x इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता ब्रैकेट का सीन, देख लेना एक बार ये, हालांकि आपके काम का नहीं, चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा है उसमें कुछ और है, लिखना मत ऐसी बात समझ लाने के लिए था कि ब्रैकेट ये होता है। चलो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका टॉपिक ना बिल्कुल बेसिक से। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी लोग क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन समझते चलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनइक्वालिटी के सॉल्व कर दोगे आप। पहले एक एक करते सिंगल सिंगल, आपको बोल दिया बच्चा x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, जल्दी से x का मान बता देना, जल्दी से x का मान बता देना बच्चा। तो आप क्या करोगे माइनस वन को इधर भेज दोगे, x इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, क्लियर। पहला क्वेश्चन लेना, ये तो एग्जांपल है, इसीलिए पहला क्वेश्चन लेना बच्चा क्या चीज x इज ग्रेटर देन y, समझना x इज ग्रेटर देन y पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है आपके पास, कौन सा सही है, माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस y, माइनस इज लेस देन माइनस y, वन अपॉन में x इज ग्रेटर देन वन अपॉन y, वन अपॉन में x इज लेस देन वन अपॉन में y, जल्दी बताना इसका आंसर, एक से ज्यादा सही है कौन सा सही होगा, जल्दी से बता देना बच्चा, दिख रहा है सबको क्या बोला हूं, x इज ग्रेटर देन y ये आपको मैं दिया हूं ऑलरेडी। फिर क्या पहला ऑप्शन है माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस y, दूसरा ऑप्शन माइनस x इज लेस देन माइनस y, तीसरा वन अपॉन में x इज ग्रेटर देन वन अपॉन y, चौथा ऑप्शन वन अपॉन में x इज लेस देन वन अपॉन y, ये है कौन सा सही होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे उत्तर बताएंगे इसका, देखना बच्चा इसका एक आंसर ये सही होगा और एक आंसर ये सही होगा, दो आंसर सही होंगे इसके, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों हमेशा याद रखना। x और y को क्या मान लो, मान लेते छे है और ये क्या दो है, ऐसे ले लो छे इज ग्रेटर देन दो, सही है? अब माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस छे आएगा और माइनस दो आएगा, ओके। अब बताओ जल्दी से कौन बड़ा है इनमें से, माइनस छे और माइनस दो में से कौन सा बड़ा है, आप देखोगे सोचोगे और ये मारोगे कि सर माइनस दो ज्यादा बड़ा होता है, सही बात है ना, सही बात है। और दूसरी चीज ये वाला, अगर सिक्स ये टू ये है तो आप अगर मैं पूछूं वन अपॉन में सिक्स और वन अपॉन में टू के बारे में बता दो तो आप क्या करोगे, कौन सा बड़ा है, वन अपॉन में टू इज ग्रेटर। तो कभी भी कोई भी संख्या, देखो ये छह था दो था, छह बड़ा था दो से, अगर कभी भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में दोनों साइड तो क्या करोगे, मतलब हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मुंह जिधर खुला रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, मतलब छह बड़ा था दो से, अब क्या हो जाएगा उल्टा साइन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके लिखोगे और इसका साइन उल्टा, ओके। दूसरी बात, अगर कभी भी छह बड़ा है तो कभी भी छह अगर नीचे जाएगा, बड़ा संख्या अगर नीचे जाएगा तो छोटा हो जाता है, क्लियर। तो इसी हिसाब से वन अपॉन सिक्स छोटा हो जाएगा वन अपॉन टू, तो कभी भी संख्या को भाग देना होगा तो भी आप क्या करोगे साइन चेंज कर दोगे। अब ये दोनों कहां से है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जानना है तो देखेंगे इसको रास्ते को, एक काम करो दो को इधर भेजो और छह को इधर भेजो, दो जब इधर जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा माइनस दो, साइन ऐसे ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, और छह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस छह, जल्दी से तब क्या वही लिखा हो, माइनस छह इधर लिख लो, मुंह माइनस दो की तरफ खुला है तो माइनस दो, क्या वही चीज नहीं लिखा हो, देखो वही चीज सेम लिखा डिटो, तो ऐसे भी यह तरीका सीख सकते हो आप। दूसरा ये कि अगर छह ये है दो ये है तो इसको दो इधर भेज दो छह इधर भेज दो, तो दो इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा सिक्स अपॉन में टू, सही है, छह को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन में सिक्स, देखो आगे सेम चीज,
तो ये कहां से आया, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल से समझा दिया। दूसरा तरीका ये, अगर इसको समझने के लिए कोई डायरेक्टली पूछेगा तो क्या करोगे, वाई को उधर भेज दो माइनस वाई हो जाएगा, एक्स को इधर भेज दो माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाता है। अब वन से डिवाइड करो तो एक्स को इधर भेज दो वाई को इधर भेज दो तो ये वाला आ जाएगा। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ए और डी, बी और डी इज राइट आंसर। ओके, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत बेसिक थ्योरम है, जल्दी से कॉपी कर लेना आप लोग, जल्दी से कॉपी कर लेना, इसका प्रूफ देखना होगा तो देखना, माइनस वाई इधर आ जाएगा माइनस, ओके देख लेना ये सही हो गया। और अगर वन से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन वाई इज ग्रेटर देन वन अपॉन एक्स, देख लीजिए इसमें क्लियर, बस इसमें इतना जान लीजिए, बस थ्योरम खत्म, सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ। अब सीधे कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, डीप वाले पे, बड़े कॉन्सेप्ट जा रहा हूँ, सीधे वहां हाथ मारने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक 2x+3 इजी ले लो थोड़ा, तो आधे तो पार ले जाओगे, क्या हो जाएगा, x-1 एंड x+2 इज ग्रेटर देन 0, x का मान बता दो, x-1 इंटू x+2 इज ग्रेटर देन 0, तो x का मान बता देंगे बच्चे। देखो स्टेप फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट फाइंड द पॉइंट लिख लेना, सही लो, फाइंड द पॉइंट एट विच फंक्शन इज जीरो, मतलब वो सभी बिंदु ज्ञात करें जहां पे ये फंक्शन जो दिया ये जीरो हो जाए, ये शून्य हो जाए, हिंदी में लिख लेना, वो बिंदु ज्ञात करें जहां पे फलन शून्य हो रहा हो, तो जल्दी से बता देना यहां पे कहां पे जीरो हो रहा हो, एग्जांपल लिख लेना, अगर मैं एक्स की जगह एक रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो सभी जीरो हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू एक पे जीरो हो रहा है। अच्छा अगर मैं -2 रखूंगा तो -2 रखने पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करने जीरो आ जाएगा और -2, तो दो संख्या ऐसी हैं जो इसको पूरे को जीरो बना देंगे, वो दोनों कहां से आई, एक बार इसको मैं जीरो कर दिया, एक बार इसको मैं जीरो कर दिया, क्लियर, तो ये दोनों संख्या ऐसी हैं जहां पे जीरो है। कोई भी चीज अगर बड़ा है जीरो से यानी कहीं कहीं जीरो हो रहा होगा, छोटा है जीरो से यानी कहीं कहीं जीरो हो रहा होगा, छोटा बड़ा कब बात आती है, जब कहीं कहीं न्यूट्रल हो, हाँ आप अमीरी गरीबी कब देखते हो, जब एक मिडिल फैमिली आती है, मिडिल फैमिली के नीचे वाले को गरीब बोल देते हैं, मिडिल फैमिली के ऊपर वाले को अमीर बोल देते हैं, तो जो मिडिल फैमिली है वो जीरो वाला पॉइंट है। ओके, तो मिडिल आप मिडिल फैमिली निकालिए, तो स्टेप सेकंड लिखेंगे इसमें, स्टेप सेकंड लिखना बच्चा, प्लॉट दैट पॉइंट ऑन लाइन, ओके नंबर लाइन, नंबर लाइन लिखना, संख्या लिखा, ओके तो देखना कहां पे, कहां पे एक पे जीरो हो रहा, तो ये एक हो गया, ये -2 हो गया, ओके समझना, ओके। अब देखो अब ये होता क्या है, कोई भी चीज अगर बड़ी है या छोटी है तो कहीं कहीं जीरो हो रही होगी, तभी बड़ा छोटा कह सकते हैं, तो अगर मैं बड़े की बात करूंगा तो ये कहीं कहीं जीरो हो रहा होगा, जीरो कहां कहां पर है, एक और -2 पे जीरो हो रहा है, तो एक के बाद क्या हो रहा है, एक के पहले और क्या हो रहा है, मतलब -2 और एक के बीच और -2 के पहले क्या हो रहा है, हमें ये पता करना है, क्यों, क्योंकि यहां पे जीरो हो रहा है, यहां पे अगर ये जीरो रहा तो इसके पड़ोस में कुछ ना कुछ ज्यादा या बड़ा हो रहा होगा, हर जगह जीरो नहीं रहेगा, किसी एक बिंदु पे जीरो रहेगा, यानी इसके इधर कुछ रहेगा, इसके इधर भी कुछ रहेगा, लेकिन यहां पे जीरो रहेगा ये फिक्स है, तो इसके इधर वाला पता करते, इसके इधर वाला पता करते, देखना बच्चा, अब जैसे वन के इधर कोई भी संख्या ले लो, मान लो 2 रखते ना, बस 2 बिंदु सही ना, 2 रखते ना, अगर मैं 2 रख दिया तो यहां पे 2 रखना, जैसे ही 2 रखोगे तो ये क्या होगा,
दो माइनस एक कितना जाएगा, एक आ जाएगा, गुणे दो एक तीन आ जाएगा, दो दो चार आ जाएगा, चार आ जाएगा। ये क्या ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो ग्रेटर देन जीरो को मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ, तो ये इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जैसे ही वन के पहले आओगे, समझना बात को, वन के जैसे ही पहले आओगे, बहुत डीप बता रहा हूँ, 10 बार नहीं बताऊंगा, 2-3 बार बताऊंगा बस, तुम तो छोड़ दूंगा, और अगर सुन लिए तो जिंदगी में गलत नहीं होगा। अच्छा बच्चे, जैसे ही वन पे आओगे आप, सोचो एक से इधर दो रखा, तीन रखा, चार रखा, पांच रखा, कुछ भी रख लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, यानी कि घनात्मक संख्या आएंगी जो कि पॉजिटिव रहेगा, जीरो से ज्यादा ही रहेगा ना। लेकिन जैसे ही आप एक पे आओगे, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये शून्य हुआ मतलब सब कुछ शून्य कर दिया, मतलब अब कुछ चेंज होने वाला है, अब कुछ चेंज होने वाला, जरूरी नहीं होने वाला, ऐसा सोच सकते। जैसे वन के पहले आओगे, अच्छा माइनस वन और दो के बीच में जीरो भी है ना कहीं पे, जीरो है, चलो जीरो जीरो रखना बच्चा यहाँ पे। जैसे यहाँ जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू टू, तो ये क्या आ गया बच्चा, निगेटिव आ गया, आया कि नहीं आया निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया, पहले पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे फिर निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया, क्यों निगेटिव आया, अच्छा चलो ठीक हो गया, अगली बार समझ आएगा। चलो अब आप वापस आए माइनस दो पे, मतलब माइनस दो से एक के बीच में, चलो माइनस एक रख के देखो, माइनस एक रख के देखोगे तो भी ये निगेटिव इंटू समथिंग निगेटिव ही आएगा, तो भी निगेटिव आएगा। तो माइनस दो और एक के बीच में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, यानी ऋणात्मक संख्या रहेगी। माइनस दो के पहले की बात करो, यानी कि माइनस तीन रख लो, चलो माइनस तीन रखना। जैसे माइनस तीन रखोगे तो माइनस तीन माइनस एक माइनस चार आ जाएगा, गुणे माइनस तीन प्लस दो माइनस एक आ जाएगा, तो ये चार हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। तो वापस से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कहां पे, माइनस दो के पहले। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, समझना आप डीपली, इसी बात को बस पकड़ लेना, काम खत्म, पूरे चैप्टर खत्म। वन के आगे पॉजिटिव है तो क्लियर है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर रखोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। वन पे जीरो हुआ, जैसे हम वन के पहले आए निगेटिव हो गया, निगेटिव क्यों हुआ ये समझ लो, ऐसा नहीं कि नंबर रख के चेक किया तो निगेटिव है, नहीं। एक बात होता है, वन पे जीरो कौन हुआ, ये जीरो हुआ, ये चेंज हुआ नहीं, ये अभी भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये जीरो यहाँ पर है, इससे आगे कुछ भी रखोगे पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे वन के पहले आओगे, वन पे जीरो हो गया, वन के पहले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे बात को, आगे ये पॉजिटिव था, एक से ज्यादा ये पॉजिटिव है, एक से ज्यादा कुछ भी रखोगे ये पॉजिटिव देगा, एक पे जीरो देगा, लेकिन एक से कम में ये क्या देगा, निगेटिव देगा। एक से कम में ये क्या है, निगेटिव ही है, पॉजिटिव है। एक से कम यहाँ जीरो रखो देखो पॉजिटिव है, माइनस एक रखो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये तो निगेटिव हो गया लेकिन ये पॉजिटिव हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव आएगा, इसीलिए हम माइनस दो और एक के बीच में निगेटिव आ रहा था। लेकिन माइनस दो को जैसे ही क्रॉस किए, ये निगेटिव तो था, इसके इधर कहीं भी जाओगे निगेटिव रहेगा, ये खुद निगेटिव हो गया। अगर दो निगेटिव होगा मल्टीप्लाई करने पर वापस पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव देता है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, स्टेप थ्री लिखना, यदि पहला बिंदु, मतलब ये वाला पहला बिंदु को जीरो करने वाला फैक्टर का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट, फैक्टर का गुणांक पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। ये है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने अपने भाषा में लिखवा रहा हूँ, ये कोई बुक में नहीं लिखा है, बुक में लिखा रहेगा, दूसरे स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, लेकिन अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ, लिखूंगा। स्टेप थर्ड है, यदि पहले बिंदु को जीरो करने वाला फैक्टर, यानी कि गुणक, गुणक अगर जिस इसको जीरो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको
इसका मतलब इसको जीरो करा ये वाला फैक्टर का ये गुणक है इसका, तो इसका गुणांक क्या है यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है x का, इस x का, इस x का कोफिशिएंट क्या है प्लस है, तो ये हमेशा पहले प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होता जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा। ओके से स्टार्ट करेंगे और पूरी कहानी लिख लो फिर समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन तीन चार करा दो ना समझ में आ जाएगा, और पूरी कहानी लिख लो, नहीं समझ में आ तो भी लिख लो ठीक है, बता दो से स्टार्ट करेंगे और जो भी फैक्टर को क्रॉस करेंगे यदि उसके घात यानी कि पावर सम रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, वरना होगा। यदि विषम विषम रहेगा विषम रहेगा तो चेंज होगा, लिख लो फिर बताओ, लिख लो जल्दी कॉपी करो फिर बताओ, देख लो ना। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आ रहा वेट कर लो अभी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन से वापस बता रहा हूँ, सब इरेज करो फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए, जो लोग नहीं लिखे फटाफट लिख ले या बाद में लिख लेना आप लोगों, जो नए बच्चे आ रहे हैं बाबू आप लोग रेगुलर रहो, दो तीन दिन रहो खुद ही आप समझ जाओगे, अभी उतना पहले नहीं पढ़ता हूँ जानता हूँ, देना ये कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा सा बस डीपली जाना पड़ता है इस चैप्टर में, हालांकि इतना डीप मैं हमेशा मना करता हूँ, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन इसमें जाना थोड़ा सा जरूरी, समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन करना x प्लस वन और x माइनस टू इज ग्रेटर देन, इसको हल करना था मतलब कौन कौन सा मान ये सेटिस्फाई करेगा। देखो ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो हमें पॉजिटिव वाला नंबर चाहिए, सबसे पहले कहां कहां पे जीरो हो रहा है उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, कहां पे जीरो, ये माइनस वन पे जीरो हो रहा है और ये दो पे जीरो हो रहा है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले कौन सा बिंदु पड़ रहा है, दो पड़ रहा है, अब दो को कौन जीरो कर रहा था, ये जीरो कर रहा था, इसका एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो यहां से स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है फिर पॉजिटिव आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबके पावर क्या है विषम संख्या इसलिए, अभी आ जाएगा देखते जाओ, अभी फिलहाल याद रखो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा निगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा। ओके तो पॉजिटिव यानी कि ये वाला दो से इधर वाला सभी एरिया पॉजिटिव जाएंगे और माइनस एक्स से इधर वाला सभी पॉजिटिव जाएंगे, आपको चाहिए क्या ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव चाहिए, तो आप बोल दोगे एक्स बिलोंग्स टू, आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस से और क्या चीज यूनियन दो से इनफाइनाइट, ये सब आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कौन कौन सा एरिया पॉजिटिव देना तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, आपको ये आंसर हो गया, इनइक्वालिटी हल है। क्वेश्चन है ना, x प्लस वन इज ग्रेटर देन, इसको लेना लेस देन जो ले रहा था बहुत होने ग्रेटर देन, देखो अच्छा तो ये सबसे पहले वो बिंदु पता करो जहां पे जीरो रहा, कहां पे जीरो रहा माइनस एक पे जीरो रहा, तो ये मान लो माइनस एक और कोई है नहीं सिर्फ यही है, तो माइनस एक पे ये जीरो हो रहा है, स्टार्ट किससे करोगे पॉजिटिव से, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, आपको चाहिए क्या नेगेटिव वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यानी कि आप कह सकते हो माइनस वन से छोटा, दूसरे तरीके से आप सोचो जो अपना दिमाग लगाते नॉर्मली लिखा है x प्लस वन इज लेस देन जीरो, वन को उधर भेज दो आप बोल दो x इज लेस देन माइनस वन,
क्या वही चीज है? ये वही चीज है, ये डिट्टो वही चीज है भाई साहब, कोई चेंज नहीं। समझे बात को? एक क्वेश्चन और लेना, लेना 2x+3 × x × x-1। चलो इसको जल्दी बता रहा हूं और बोल रहा हूं लेस देन जीरो, निगेटिव रहो। इसका आंसर बता दो, x का मान क्या क्या है, जल्दी से बताओ सब लोग। नीचे वाला क्वेश्चन आपके सामने, अभी से टाइम लगेगा थोड़ा, एक दिन नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दो दिन में आएगा, लेकिन आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 100% आ जाएगा, अभी पैनिक मत होना, समझे? अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पक्का आ जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, वरना कमेंट आपके हाथ में, लेकिन थोड़ा वक्त दो। चलो सबसे पहला काम, ये जहां जहां जीरो ना वो बिंदु निकालो, ये कहां पे जीरो है, -3/v2 पे, मतलब इसकी इक्वल टू जीरो करके रख दो ना, 2x+3 = 0, इसको जीरो करना, तो x = कितना आएगा, -3/v2, तो ये मान लो आपके पास है -3/v2। दूसरा ये कहां पे हो रहा है, जीरो पे जीरो रहा, और ये कहां पे जीरो रहा, 1 पे जीरो रहा, यही बिंदु आपके पास है, ठीक है। स्टार्ट कहां से करना बच्चा, पॉजिटिव करना, फिर निगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, ये पॉजिटिव आपको क्या चाहिए था, लेस देन जीरो निगेटिव वाला चाहिए था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक और इसके इधर, तो आपका आंसर जाएगा x बिलोंग टू -3 × x से -3/v2 यूनियन 0 से 1, ये आपका आंसर जाएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे, x² x-1 = 2x + 3 x² × x-1 = 2। देखो सबसे पहला काम, ये जहां जहां जीरो रहा वो बिंदु लिखो, तो कहां कहां जीरो रहा, ये -3/2 पे जीरो हो रहा है, ये जीरो पे जीरो हो रहा है, और ये कहां पर, 1 पे जीरो पर, क्लियर? अब समझना इसके कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट समझा दो फिर देखो, चलो ऐसे करो या फिर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2x+3 × x × x − 1 = 2, क्लियर? अब एक नंबर लाइन बनाओगे, उस पर इनको प्लॉट करोगे, नंबर लाइन ये रहा, दिख रहा सबको, एक बार देख लेते, कोशिश कर रहा, दिख रहा है, दो कलर रहता है, दो कलर थोड़ा सही रहता है, विजिबल रहता है, और ये थोड़ा पतला भी लिखता है तो स्पेस मुझे मिल जाता है अच्छा खासे, बस लिए। अब देखो आपके पास कहां ये है, कहां कहां पे जीरो हो रहा, एक -3/2 पे जीरो हो रहा, ये जीरो पे जीरो हो रहा है, और ये भी जीरो पे ही जीरो हो रहा है, और ये 1 पे जीरो हो रहा है। सबसे पहला काम इधर पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव के बाद जीरो यहां पे पॉजिटिव करेगा, लेकिन पॉजिटिव कर देगा ये जीरो, एक जीरो, दूसरा जीरो क्या करेगा, वापस उसको निगेटिव कर देगा। मतलब आपके पास होता क्या, आप नॉर्मली क्या फॉलो करते हो कि पहले पॉजिटिव आया, एक बिंदु क्रॉस किया तो निगेटिव आ जाएगा, दूसरा बिंदु क्रॉस किया तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा होता है, सच्चाई है ना। लेकिन यहाँ जीरो दो बार है, तो आप कह सकते हो कि एक बार निगेटिव से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा इस जीरो की वजह से, लेकिन ये जीरो तो अभी बचा है ना, ये वापस से क्या करेगा, निगेटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब ये यहाँ पे निगेटिव से इसको क्रॉस किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट जो रटा जाता है वो ये है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ बच्चा, यहां आएगा निगेटिव, अब क्या होता है कि जो भी जीरो कौन कर रहा था, ये x² यहां पे जीरो कर रहा, इसके पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी इवन यानी कि सम संख्या है, तो साइन चेंज नहीं होता, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। अब यहां पे
इसके पावर क्या 1 है, कोई दिक्कत नहीं विषम में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा टीचर क्वेश्चन इस पर करा दूंगा। तो आपसे बात करता रहा लेस देन जीरो वाला, तो लेस देन जीरो का आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, x बिलोंग टू माइनस 3 अपॉन में 2 से 1 तक आपका आंसर। देख लेना सब लोग, एक और क्वेश्चन करेंगे, सेम आंसर यहां भी आएगा निगेटिव वाला यहां से आते। एक और क्वेश्चन करना इसमें बच्चा, क्वेश्चन लेना x plus 1 x minus 1 का होल स्क्वायर टू x minus 3 का होल स्क्वायर क्यू, इनका बता दो। चलो इनका बता दो और एक रख लो, चलो इतना रख दो, इतने का बताओ। सबसे पहला बात ये कहां कहां पे जीरो है वो बिंदु लिखो, कहां पे जीरो होंगे माइनस एक पे जीरो हो रहा है, ये कहां पे जीरो हो रहा है एक पे हो रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है तो एक और एक दो नंबर है, ये कहां पे जीरो है जीरो पे हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा आपका क्लियर, और ये कहां पे तीन पे जीरो है तो ये तीन हो जाएगा। देख लो अच्छा, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, जैसे ही तीन को क्रॉस करोगे तो यहां देखो क्यूब है तो x इज इक्वल टू 3 बार 3 आएगा। आप देखो गौर से देखो 3 बार आएगा, तो जैसे आप पॉजिटिव से 3 को क्रॉस करोगे इस 3 को तो ये निगेटिव दे देगा, लेकिन अभी और है, फिर ये पॉजिटिव दे देगा, फिर ये निगेटिव दे देगा, तो आप कह दोगे कि निगेटिव जाएगा। बात समझो, चलो मान लो सिर्फ 3 होता तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता, एक और 3 लिख दिया तो क्या कह रहे हैं, निगेटिव फिर से पॉजिटिव कर देगा, तो एक और बिंदु यहीं पर दे दिया, यहीं पर 3 बिंदु दे दिया, फिर ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो आप कहोगे सर 3 बार लिखने से क्या होता, हो तो 1 बार से ही हो रहा था, वो ये हो रहा था इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी तक भी इसके पावर 1 था, यानी विषम संख्या थी, 3 भी क्या है विषम है यानी कि ऑड है, अगर ये ऑड रहेगा तो साइन चेंज होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब इसका काम खत्म, ये जहां पे जीरो करा था इसका हक वहीं तक था कि वही डिसाइड करेगा, ये 3 पे जीरो करा था 3 पे ही इसका हक था, 3 इसका इसके पावर वाला इसका घात वाला, अब इसके घात का कोई महत्व नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे होगी 1,1 यानी ये जीरो कर रहा है, तो आप देखोगे निगेटिव से एक 1 को जैसे क्रॉस करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरा 1 को वापस से करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और देख भी सकते हो आप कि 1 पे जीरो कौन हो रहा था, ये जीरो कर रहा था, ये जीरो कर रहा था, अब इसके पावर क्या है इवन यानी सम संख्या है, साइन चेंज होगा नहीं होगा, तो निगेटिव था तो निगेटिव ही चला जाएगा। जैसे जीरो के पास आओगे ये जीरो रहा तो इसके पावर क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं एक ही नंबर है, निगेटिव से वापस पॉजिटिव, ये भी एक ही नंबर है पॉजिटिव से वापस निगेटिव। तो आपसे किसके बारे में पूछा, मान लो ग्रेटर देन जीरो के बारे में पूछ देगा, तो ग्रेटर देन जीरो के बारे में ये आंसर हो जाएगा आपका, और यहां से यहां तक हो जाएगा। तो आप बोल दोगे एक्स बिलोंग्स टू, या लिख दो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन कहां से 3 से इनफाइनाइट। अब चाहे कितना बड़ा दे दूंगा मैं, आप आराम से कर लोगे, ओके अब कितना भी बड़ा मैं दे दूंगा आप आराम से कर लोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। नहीं आएगा वापस बताऊंगा, कल वापस आ जाएगा, चिंता ना करो। और एक अनाउंसमेंट रहेगा कि कल आपका टेस्ट होगा ना, परसों संडे को आपका टेस्ट रहेगा वापस से, एक और मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा 25 क्वेश्चन का, जैसे पिछली बार करवाया था, सभी लोग उसको ज्वाइन कर रहा, ओके। एक और क्वेश्चन लेना बच्चा, चलो इसके बारे में बताओ, ये कहां पे ग्रेटर देन जीरो होगा ये बता दो, इसको हल करो जल्दी से, इसको हल करो जल्दी से फटाफट से। अच्छा तो देखो ये कहां का जीरो है, देखो सबसे पहले ये -1 यहां पे लिख लिया, फिर ये क्या जीरो हो गया, ये क्या ये 1 हो गया, और ये क्या ये 1/2 यानी कि आपके पास यहां पे आ गया 1/2 क्लियर। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 कौन सा दे रहा था ये दे रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे,
अब जैसे एक बिंदु को क्रॉस करोगे, इसके पावर क्या 6-7 है, तो टोटल 7 बिंदु को क्रॉस करोगे। एक तरीके से देखो इसके घात क्या है, ऑड। मैं इसके क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि 1 पे यही 0 कर रहा है, जिस बिंदु पे जो 0 करेगा सिर्फ उसी को देखेंगे, बाकी सबको नहीं देखेंगे। तो इसके घात क्या 7 है, तो साइन चेंज जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वापस से देखोगे 1/2 को ये कर रहा है, अभी भी क्या है घात विषम है, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। देखो विषम घात का ये मतलब नहीं था कि निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। घनात्मक संख्या बनाएगा कि ऋणात्मक, घनात्मक फलन बनाएगा कि ऋणात्मक, ये कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसके घात से इवन और विषम सम से मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो भी आपके पास साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो पॉजिटिव था, विषम है, ये रहा निगेटिव हो जाएगा, वापस से ये विषम है, कोई बात नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। अब जीरो पे देखोगे ये क्या विषम ही है, ये भी विषम है, तो वापस से निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये सम है, तो ये निगेटिव ही चलेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। आपका आंसर किसे पूछा था, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला यहाँ से यहाँ हो जाएगा और आगे तक, तो आप बोल दोगे आंसर x belongs to 0 to 1 upon में 2 union 1 से इनफाइनाइट। देख लेना फटाफट बच्चे, दूसरा क्वेश्चन करना है, एक प्यारा सा क्वेश्चन करना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, इसके बारे में बताओ, इसको हल करो फटाक से बच्चे। तो अब वो टाइम है कि आप रूट निकालोगे फिर करोगे ना, हालांकि रूट ही निकालना पड़ेगा, इसमें फैक्टर तो बढ़ेगा पूरा। जब इसको हल करोगे देखो बच्चा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन 0, यानी कि आप इसको लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 लिख सकते हो। मतलब अभी तक जो कहानी बताई है वही है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन चाहे कोई भी रहेगा, वो इसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ना। देखना तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से कहां कहां पे हो रहा है 0, एक 2 पे हो रहा है, एक 3 पे हो रहा है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा पता है, 2 को जैसे ही चेंज करोगे निगेटिव हो जाएगा, 3 को चेंज करोगे वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। आपको आंसर क्या चाहिए, निगेटिव यानी लेस देन वाला चाहिए, इक्वल टू लगाओ के निगेटिव, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, ओके 2 यहां लिखोगे 3 यहां लिखोगे, अच्छा तो पॉजिटिव है, बाकी सबसे 3 है, एक्स बिलोंग्स टू 2, 3 अभी वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं, ओके आपका आंसर ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे चेंज होते हैं, लिखा नहीं रहेगा तो प्योर कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और दे दो, अब थोड़े पक्के हो गए, और क्वेश्चन इससे टफ टफ वाला, इससे मतलब अच्छी लेवल का क्वेश्चन कल करना, भी चिंता ना करो, इसमें और भी वेरिएशन होते हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दे रहा हूँ, मतलब इजी इजी वाले पे, हालांकि ये टफ होगा बहुत लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं बन जाएगा, इजी चिंता ना करो। चलो एक और क्वेश्चन दो, इस पर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कुछ भी लिख लो, देख लो इसका बता दो बच्चा, कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, पूरा इंटरवल मुझे बता दो, मुझे नीचे ग्रेटर देन लेस देन, इसका पूरा इंटरवल अंतराल बता दो, कहां पॉजिटिव कहां धनात्मक संख्या देगा कहां पे ऋणात्मक संख्या देगा, ये देखना कुछ नहीं करना, सबसे पहले पता करो कहां कहां पे जीरो है, ये 2 पे जीरो है ये लिख लो,
माइनस सिक्स आओ तो सीधे नंबर लाइन पे चालीस लिखो जीरो, ये कहाँ पे वन पे हो रहा है, ये माइनस सेवन पे हो रहा है, वो इलेवन पे हो रहा है, वो माइनस थ्री पे हो रहा है, ये आपके बिंदु है जहाँ जहाँ पे सभी जीरो हो रहा है। तो इन बिंदु पे एक रेखा लिखना है, पता आप लोग कैसे करना, अगर अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर लो, ऑर्डर में ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर कभी ज़्यादा आएगा हालांकि एनडीए में आ सकता है, एयरफोर्स नहीं आएगा, इतना लंबा आ सकता है, मतलब ये ईजी होता है, ये टफ नहीं होता है ना, बट इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई अगर दिया रहेगा तब हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन नहीं दिया रहेगा कि आप मल्टीप्लाई बनाओ चेंज करो। माइनस सेवन माइनस थ्री मैं सहूलियत है, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसलिए बना रहा, कोई जरूरत नहीं है। जीरो वन और टू, यानी कि सबसे पहले आप बनाओगे माइनस सेवन, फिर कह रहा हूँ माइनस थ्री, और ये ऑर्डर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ओके, ये ऑर्डर में इधर उधर नहीं रख सकते आप। अब देखो सबसे राइट हैंड साइड से चलोगे ये पॉजिटिव होगा, लेकिन दो को जैसे क्रॉस करोगे, दो को जीरो कौन कर रहा था, ये जीरो कर रहा था, इसके घात क्या बच्चा एक है यानी विषम है, तो साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव। अब आप आ गए एक पे, एक पे जीरो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसके घात क्या वन है यानी विषम है, वापस से साइन चेंज हो जाएगा जीरो पे, इसके घात क्या दो है सम है, तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे माइनस वन पे आओगे, ओके, अच्छा ये जीरो कर रखना, वन पे ये जीरो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, विषम है चेंज हो जाएगा, वापस से माइनस वन पे ये आओगे वन है विषम है, तो वापस से चेंज हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। माइनस थ्री पे कौन कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, इसके पावर क्या छह है, तो साइन जैसा था वैसा रहेगा, निगेटिव था तो निगेटिव रहेगा। और आपके पास इलेवन भूल गया, कोई बात नहीं, इलेवन लिख पूरा गलत देख लेना, इलेवन भूल गए तुम, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखना भूल गए थे, पूरा चेंज हो गया, देखिए एक पॉइंट भी छूटेगा ना पूरा गलत हो जाएगा, देख लेना। अब देखो 11 यहाँ पे आ गया, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अब सही है, जैसे 11 को क्रॉस करोगे हालांकि चेंज देगा कोई आंसर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सम संख्या तो साइन चेंज होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर जैसे आप दो को क्रॉस करोगे, दो को, दो ये है, ये जीरो कर रहा था दो पे, इसके घात क्या एक है तो निगेटिव हो जाएगा, एक पे कौन कर रहा था, ये कर रहा था, इसके घात क्या विषम है यानी कि वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो पे ये कर रहा था इसका सम है तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही चलेगा, माइनस वन पे ये कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, और माइनस तीन पे कौन कर रहा है, ये कर रहा है तो निगेटिव था तो निगेटिव ही रह जाएगा, और माइनस सेवन पे कौन कर रहा है, ये कर रहा है विषम है तो निगेटिव से वापस पॉजिटिव, ये आपके आंसर देगा, ये इंटरवल हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लेना सभी लोग, आ जाएगा, चिंता ना करो, आराम से धीरे धीरे टाइम दो, टाइम तो धीरे धीरे आ जाएगा ना। और कल ये भी बता दूंगा निगेटिव से कब स्टार्ट होता है या कुछ ऐसे, ये सब कुछ कल, अभी फिलहाल बेसिक लेके चलो, कल एक दिन और है, ओके, क्लियर। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कुछ कुछ आप लोगों को, बाकी इनइक्वालिटी और पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मुश्किल यही भी होते हैं, बाकी और कहीं मुश्किल नहीं था, आप लोग आराम से कर लेते हो, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे मल्टीप्लाई बनते ना, फिर आप नहीं निकाल पाते, फिर आप नहीं निकाल पाते। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लास के इंपॉर्टेंट है, कल टेस्ट रहेगा, तो बात फिक्स, सभी लोग ले जाएंगे संडे को, सॉरी, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छा लेना, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो, दोनों का मान बताते हैं इंटरवल अंतराल बताते हैं, सेम चीज एक बार प्लस मान, एक ग्रेटर देन जीरो, एक बार लेस देन जीरो। तो देखो जब इसको हल करोगे एक्स माइनस थ्री बनेगा और एक्स प्लस टू बनेगा, एक्स माइनस टू, सब इसके रूट ये बनेंगे फैक्टर सब, तो कभी भी ग्रेटर देन जीरो होता, आप नंबर लाइन से हल करो, अभी किए थे कहाँ पे, ये थ्री पर है ये टू पर है, तो ये थ्री होगा ये टू होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सभी भी सब, आपको ग्रेटर देन चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा, तीन से ज्यादा और दो से छोटा, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज यहां पे बनेगा, सेम है, कोई चेंज नहीं किया, देखो एकदम एग्जैक्ट वही का वही है, थ्री और टू, ये पॉजिटिव आएगा बच्चा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेस देन चाहिए तो आपका आंसर यहां से यहां तक हो जाएगा,
तो यहाँ पे एक चीज याद कर लेना हमेशा के लिए, हालांकि कॉन्सेप्ट है इसमें याद करने की कोई जरूरत है, नंबर लाइन पढ़ा, लेकिन नंबर लाइन आप बार बार नहीं बनाओगे। सुनो, अगर कभी भी ग्रेटर देन रहेगा, क्या रहेगा, ग्रेटर देन, तो आप कहाँ जाओगे, जो आपको पॉजिटिव बनाएगा नंबर, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या उससे आगे और सबसे छोटी संख्या से सबसे पीछे चले जाना, ओके। और कभी भी निगेटिव चाहिए तो जहां पे वो रूट बनना होगा, जहां पे जीरो रहोगे, कहां कहां पे, तीन और दो पे जीरो, तो तीन और दो के बीच में रहेगा ये, जहां पे जीरो हो रहा होगा, ये जहां जहां पे जीरो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, तो दो बिंदु पे जीरो हो रहा होगा, उन दोनों बिंदु के बीच में रहोगे कब, जब लेस देन लगाएगा, उन दोनों बिंदु से दूर जाओगे कब, जब ग्रेटर देन लगाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ये इनइक्वालिटी बहुत हेल्प करेगा, तुरंत ऑप्शन मारना रहता है आपको, तो ऑप्शन ऐसे मारना, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो आप दूर दूर जाना, दो इंटरवल मिलेंगे आपको, देखो दूर दूर में हमेशा कभी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो दो आंसर मिलेंगे आपको, ये और ये, यूनियन लगा के बोल देगा वो, ये यूनियन ये, लेकिन कभी लेस देन रहेगा तो सिर्फ एक ही इंटरवल मिलेगा, इससे आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट मतलब डायरेक्टली टिक लगा सकते हो, ऑप्शन देखे लेस देन की बात करें एक इंटरवल देखे ले लो आंसर, ऑप्शन देखे ग्रेटर देन की बात करें ये इंटरवल दो इंटरवल यूनियन लेकर, समझे, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो बच्चा। हो गए समझ में आ गया सबको, एक और ले देते, सुन एक और ले लिया फिर क्लास के एंड, एक और ऐसे बस प्रैक्टिस को नॉर्मली ऐसे बड़ा सा कुछ दे देता हूँ विकास सर, और सभी लोग संडे को आ जाना, आपका चलेगा क्लास का टेस्ट चलेगा, 25 क्वेश्चन कराऊंगा एक दिन में, अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, आ जाए करो सभी लोग, एक्स प्लस माइनस रूट थ्री, ओके, इसका उत्तर देना बच्चे, इसका उत्तर देना कहां पे जीरो रहा, कहां पे निगेटिव रहा, कहां पॉजिटिव रहा, जीरो नहीं निगेटिव पॉजिटिव, तो सबसे पहला रहा, देखो ये कहां पे जीरो रहा, अगर मैं प्लस वाला लेकर चलता तो माइनस रूट थ्री रखोगे तब जीरो जाएगा, अगर माइनस वाला लेकर चलोगे तो प्लस रूट थ्री रखोगे तब जीरो जाएगा, तो इसको ओपन करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस रूट थ्री, आप अलग ही अलग लिख लो, चलो माइनस एक ही लिख लो, वो मत लिखना, प्लस हटा लेना ऊपर से, ये देखो एक्स माइनस रूट थ्री और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, अब इसको क्या करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, x माइनस थ्री और x प्लस थ्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, यहां पे क्या x माइनस थ्री और यहां पे x माइनस थ्री, तो आप यहां से एक x माइनस थ्री हटाओगे और इसका स्क्वायर चाहोगे, क्लियर, और x प्लस थ्री थोड़ा पास लिख लो, अब वो बिंदु ज्ञात करो जहां पे सभी जीरो है, तो देखना कहां कहां पे जीरो है, रूट थ्री पे जीरो, रूट थ्री का मान कितना होता है, ये होता है 1.732, ओके, इस बात का याद रख, ये तीन पे जीरो हो रहा है, ये माइनस नौ पे, ये माइनस तीन पे, तो सबसे पहले माइनस नौ, फिर आएगा माइनस तीन, फिर आएगा आपके पास रूट थ्री, फिर आएगा आपके पास तीन, तीन से कम होगा रूट थ्री, ये बात क्लियर है, तीन पे कौन जीरो कर रहा है, ये जीरो कर रहा है, इसके घात क्या दो है, तो सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, घात क्या दो सम है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, अब रूट थ्री जैसे अगर रूट थ्री पे ये है ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस थ्री को कौन करा, ये करा, इसके पावर क्या वन है, विषम है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये करा है वापस से निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका इसका नंबर आएगा, अगर पॉजिटिव के बारे में पूछेगा तो आपका यहां से यहां आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ये और ये और यहां से आगे तक, मतलब माइनस में माइनस माइनस में तक, देख लेना सभी लोग, और इससे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सभी आप कर सकते हो आराम से बैठे बैठे, कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें और भी वेरिएशन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी लेकर आऊंगा, सब लेकर आऊंगा ना, लॉग लेकर आऊंगा, एक्सपोनेंशियल, सब कुछ लेकर आऊंगा, वक्त हो थोड़ा सा ना, तो आज काम चला लो इस पर, और बाकी आपको मैं कल इस पर और डिटेल कराऊंगा, और सभी लोग संडे को आ जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट है 25 क्वेश्चन का, ओके, तो टेंशन मत लेना आप लोग, आराम से एंजॉय करना,
और संडे को आ जाना, मस्त वाला मॉक टेस्ट किया जाएगा। सभी लोग शेयर कर देना मॉक टेस्ट वाले क्लास को, बिल्कुल कम शेयर कर दो कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करना क्लास कैसा लगा। ये कमेंट डिसाइड करेगा आगे ये पढ़ना चाहते हो कि नहीं, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। अगर इसमें और आगे पढ़ना है तो बता देना क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया होगा तो पूछ लेना प्लीज, विनती है हाथ जोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आया होगा तो आगे पूरा बेकार हो जाएगा मेरा पढ़ाना, समझे? तो ये बहुत जरूरी है जानना। इस बात को अगर समझ में आ गई हो आपको तो सभी लोग कमेंट जरूर कर देना। तो आप लोग हमेशा की तरह अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, खेलते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जितने नए लोग हैं रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, नए बच्चे का कमेंट आप लोग को पढ़ता हूँ मैं, नाम नहीं ले सकते बस, ओके, क्योंकि सब टाइम इसमें चला जाएगा फिर। तो मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और हंसते रहना, खेलते रहना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।